गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम कुछ वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। कुछ शब्द हम लेंगे और उनसे वाक्य बनाएंगे। इस काम को कहते हैं वाक्य प्रयोग करना। इन मैंने लिखा है नीचे, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो, यानी इन शब्दों को लेकर वाक्य बनाओ। तो मैंने आज 8 शब्द लिए हैं, इनके मैं वाक्य बनाना आपको सिखाती हूँ। बच्चों पहला ये जो वर्ड्स लिए हैं ये आपके लेसन्स में से ही हैं, जो आप पाठ हम पढ़ चुके हैं उन्हीं में से हैं ये। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें तरीका। तो इसका वाक्य हमने बनाया है, मेरी मम्मी मुझे काम करने का सही तरीका बताती हैं। इसमें तरीका वर्ड आ गया, मेरी मम्मी मुझे काम करने का सही तरीका बताती हैं। चाहे वो पढ़ाई का काम हो, लिखाई का, या घर का कोई काम हो, तो मम्मी हमें सिखाती है कि उस काम को कैसे करना है। दूसरा शब्द है बोरियत। ये बहुत हुआ वाली पोएम से लिया है मैंने बोरियत वर्ड। बारिश के समय जब हम बाहर खेलने नहीं जा पाते तो हमें बहुत बोरियत होती है, घर में फंसे बोरियत झेलें, कविता में भी आया है तो मैंने उसी को यहाँ पर लिया है। तीसरा शब्द है बच्चों आसमान। ये बहुत कॉमन शब्द है, हम दिन रात पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो चिड़ियाँ माने बहुत सारी चिड़ियाँ, इसके ऊपर चंद्र बिंदु जो लगा इसका मतलब बहुत सारी चिड़ियाँ आसमान में उड़ती हैं। चौथा शब्द वीरू वाले लेसन से है, संदेश। टीवी में समाचार देखने से हमें बहुत सारे संदेश मिलते हैं, यानी बहुत सारी खबरें न्यूज़ हमको मिल जाती हैं अगर टीवी में हम समाचार देखते हैं सुनते हैं। अगला वर्ड है बच्चों किताब। तो इसका मैंने लिखा है, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमें बोर भी नहीं होने देती। अगर हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो हम बोर भी नहीं होते। तो इसलिए मैंने लिखा है, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, हमारी दोस्त होती हैं। अगला वर्ड है बच्चों घोंसला। तो घोंसले में चिड़िया रहती है, सब बच्चों को मालूम है। बुलबुल भी अपने लिए घोंसला बनाती है, किताब में आपकी आया है। तो चिड़ियाँ रहने के लिए घोंसला बनाती हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ, सब चिड़ियाँ, ऑलमोस्ट चिड़ियाँ जो है वो घोंसलों में रहती हैं। सातवां वर्ड मैंने लिया है बगीचा। तो इसको मैंने वाक्य बनाया है, मेरा बगीचा हरा भरा है। बगीचे अगर देखभाल उनकी की जाती है अच्छे से तो वो हरे भरे रहते हैं, उनमें फल फूल लगते हैं, सब्जियाँ लगती हैं। तो मेरा बगीचा हरा भरा है। आठवां वाक्य जो शब्द है आठवां, वो है विद्यालय। तो हमने बनाया, विद्यालय बच्चों स्कूल को कहते हैं, हमारा विद्यालय जैसे हम बोलते हैं रुड़की नंबर 1 केंद्रीय विद्यालय। तो इसमें मैंने वाक्य बनाए, हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो बच्चों ये वाक्य हैं, ये आपके टेस्ट में भी आएंगे, इनको आप याद करेंगे। होमवर्क लिखा है, लिखो व याद करो, इनको अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे और इनको याद भी करेंगे। थैंक यू बच्चों, ओके।